हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, जल्दी आ जाइए प्लीज, जल्दी आ जाइए। क्या हुआ? इधर गुड लाइफ हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मर रहे हैं मतलब? ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लान हत्याकांड चल रहा है। ओके, विल बी देयर। कजली देवी जिंदाबाद, 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 कजली देवी जिंदाबाद। कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, इस बार हमारी पत्नी कजली देवी चुनाव लड़ रही हैं। आप लोग को भारी मतों से उसे विजयी बनाना है। वोट के दिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कजली देवी को ही वोट देना है। अरे कजली देवी कहाँ है? हमारे भाभी प्रधान की एक बार दर्शन तो करवा दीजिए कैलाश बापू। देख क्या रही है, सुना नहीं तूने? जा जाके पब्लिक को अपना चेहरा दिखा, जा। अरे जाना, मुझसे सब नहीं होगा। नहीं होगा मतलब तेरी अब इतनी औकात हो गई कि तू भाई साहब की बात को काटे? जिंदाबाद। अरे पता क्यों गई है? पब्लिक का अभिवादन करना। अरे अब क्या घूंघट में ही प्रधानी होगी क्या? शकल तो दिखाओ। कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के पास जाओ और पिछले 24 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकालो। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे देन इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर जो लेडी है वो कहाँ है? मैडम उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा और हम अंदर जा नहीं सकते जब तक कि हैजमेट टीम की तरफ से क्लीयरेंस ना मिल जाए। ठीक है, तुम अभी जाके सीसीटीवी फुटेज रिव्यू करो। जी मैडम। देख दिल पे मत ले, जाके मुंह साफ कर, शाम तक तैयार हो जाना, तुझे सम्मेलन में लेकर जाना है मुझे, समझी? मुझे नहीं करना है सब।
शाम तक ये मुझे तैयार चाहिए सम्मेलन के लिए, समझी? नहीं चमन्नी की और मुंह चलाती है। सुन, इस घर में जो कहा जाता है ना वो ही करना होता है, नहीं तो जिस कीचड़ से तुझे उठा के लेके आए ना उधर ही वापस भेज देंगे, समझी? क्या करे बॉय? अब बता दे क्या है? छोड़ो। काम कर, कल प्रचार के लिए ना 3-4 गाड़ियां एक्स्ट्रा लगवा ले, समझे? जरूरत पड़ेगी। जी, व्यवस्था हो जाएगी सर। ठीक है, जाओ। कैलाश जी, कल रैली में क्या हुआ था? अरे भाई, पॉलिटिक्स है, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। आप लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हो? जॉब ड्यूटी करो अच्छे से अपनी। छोटे मोटे हाथ से कब बड़ी वारदात बन जाए कह नहीं सकते। हमें इस बारे में आपकी पत्नी से पूछताछ करनी है। किस बात के लिए? हमने कोई कंप्लेन कराई जो आप मेरी पत्नी से पूछताछ करोगे? अरे कोई जरूरत नहीं है पूछताछ करवाने की। हाँ, कंप्लेंट हो या नो कंप्लेंट, नेता और जनता की हिफाजत के लिए जो सही है हम वो करेंगे। एक सेकंड, आप लोग यहीं रुकिए, मैं कजली को लेके आता हूं, ठीक है? सुनो, कजली को बुला के लाओ। वो कजली? अरे क्या कर रही है? कजली को बुला के लाने काम है ना? मैं भी कब से उसको ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई का मतलब? मुझे लगता है वो भाग गई। क्या? पुलिस? ओह, बाहर पुलिस खड़ी है, क्या जाके बोलूं मैं? वो क्या है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती। हमारा उनसे बात करना जरूरी है। जरूरी है? एक औरत का सम्मान ज्यादा जरूरी है आप लोगों की ड्यूटी? एक बार कह दिया ना कि बाद में आइए, मतलब बाद में आइए, जाइए। अरे मुंह उठा के क्या चले आए हो, जाके कजली को ढूंढो। और जब तक वो नहीं मिल जाती है किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। जाओ। पता था मुझे कि ऐसा ही होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस कजली को चुनाव में खड़ा मत करिए, लेकिन नहीं। अरे इतने सालों से मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे अच्छे से जानता हूँ तुझे मैं, तू भाई कम आस्तीन का साथ ज्यादा है, लेकिन जब तक कजली का पता ना चल जाए ना तब तक ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। ढूंढो उसे जाकर। आस्तीन का सांप बोला, अब तो कुछ करके दिखाओ। कजली नहीं है, काली बिल्ली है जो तुम्हारे किस्मत का रास्ता काट चुकी। नहीं, कजली मेरा रास्ता काटे उससे पहले मैं उसे काट दूंगा। जिस बात को भाई साहब दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बात को लेकर दुनिया उनके मुंह पर ना थूके
तो मेरा नाम मानव नहीं। सुनो, पूरे गांव में खबर फैला दो। इतने सारे बच्चों की मौत, इतनी ही सारी चीखें, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जहर फैला दिया हो। मैं चेक करने निकली थी पर पता ही नहीं लगा कि मैं कब बेहोश हो गई। मैडम, मरे हुए बच्चों का पोस्टमार्टम जारी, रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। ये ले, सुन, इतने पैसे मुंह बंद रखने के दे रहा हूँ, समझा? और एक बात ध्यान रखना, अगर कजली का मुंह काला करने के पीछे मेरा नाम आया तो तेरा नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा, समझा? जा। डिलीवरी लेके क्यों नहीं निकला अब तक? बस साहब अभी निकल रहे हैं। जा जल्दी। हाँ। सुन, एक काम कर, भाई साहब कजली का कुछ पता नहीं चला? नहीं, मायका तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? एक उपाय है। आप ओपोजिशन में हैं, कहीं कजली के चेहरे पे कालिक पोतने के पीछे आप ही तो नहीं है? महिला कैंडिडेट और अपोजिशन दोनों का सम्मान करते हैं हम, और इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स करने की हमारी आदत नहीं है। ये सब उनका अपना किया धरा है। जाइए, पहले उसे पकड़िए जिसने हरकत की है, सब पता चल जाएगा। पकड़ तो हम उसे लेंगे ही, लेकिन उसके लिए आपको पुलिस को सिखाने की जरूरत नहीं है। दरअसल विपक्ष वालों को औरतों की इज्जत करनी ही नहीं आती है। उन्होंने कजली देवी के मुंह पे कालिक पोता, उसे बेइज्जत किया, उसे जलील किया। बेचारी आज तक डरी हुई है, उसे गोली से मारने की धमकी दी, लेकिन विपक्ष के हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है कजली देवी ने, और वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, उसे कोई नहीं डरा सकता। कुछ पता चला? एनीथिंग? आखिर इतने सारे लोग एक साथ अफेक्ट कैसे हुए? मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, टेंशन बहुत बढ़ रहा है, ऊपर से प्रेशर है। ओके मैम। मैडम, एक लीड मिली, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा चेक करके आपको डिटेल रिपोर्ट देता हूँ। ये क्या है? बस इतने ही लोग? पता नहीं कैसे लोगों में ये बात फैल गई है, कजली किसी के साथ भाग गई है। पैसा देने के बाद भी लोग हमारे कैंपेन के साथ जुड़ने से कतरा रहे हैं। कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! अरे हमें तो लगता है अंदर है ही नहीं, भाग गई होगी किसी के साथ। कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! भाई साहब, मैं देख कर आता हूँ। कजली देवी को बाहर बुलाओ! शांत हो जाइए, देवी को बाहर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब देखिए अपोजिशन वालों की साजिश है। कजली भाभी अंदर ही हैं, बस उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आराम कर रही हैं। अरे तबीयत तबीयत तो बहाना है, भाग गई होगी किसी के साथ। बंद करो ये बकवास, बंद करो। अगर किसी ने अपनी गंदी जुबान से कजली का नाम भी लिया ना, तो जुबान बाहर निकाल दूंगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है, जाए यहां से सब। कहाँ गई थी? बता कहाँ गई थी?
कहाँ गायब हो गई थी? बोल, जवाब क्यों नहीं दे रही है? बताओ कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? ये गायब नहीं हुई थी, ये भाग के गई थी। ये जो निशान है निशान, ये सब बता रही कि अपना मुंह काला करके आई है। देख लिया ना भाई साहब, अपनी जगह इलेक्शन लड़वाने का नतीजा, इसने पहले अपना मुंह काला कराया और अब इसने आपका भी मुंह काला करवा दिया। गलती तो इसने की है, इसलिए सजा इसे मिलनी चाहिए। कजरी देवी हाय हाय, 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 कजरी देवी कजरी देवी हाय हाय, 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 कजरी देवी हाय हाय। सर लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। कजरी देवी हाय हाय, कजरी देवी हाय हाय, गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी पहुंचना है। कजरी देवी हाय हाय, she's dead. एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वकील साहब दिखाओ इन्हें पेपर। जी। इन्होंने तो एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। कहा था ना मैंने, दूसरे के गिरवान में हाथ डालने से पहले सोच लो। अरे हम अपने घर की औरत को मोहल्ले वालों के सामने क्यों बेइज्जत करेंगे? ये सारा कुछ उस भैरव का किया हुआ है, जाके उसे पकड़ो। वैसे इस घर में किसी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कजली की मौत से दुखी है। हमारा दुखी होने का यही तरीका है, और वैसे भी आपको हमारे दुख से क्या लेना देना है? हुआ क्या? अरे कुछ गुंडे आए थे, वो जबरदस्ती हमारे आंखों के सामने कजली को घसीटते हुए ले गए और कपड़े उतार कर पूरे मोहल्ले में उसकी परेड करा दी और फिर बाद में उसे गोली मार दी। सुनने में तो ये भी आया कि कजली घर से भाग गई थी। हाँ तो फिर आ गई थी ना, बेवकूफी की थी उसने, जिसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है, आसपास के हाईवे टोल नाका पेट्रोल पंप एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता करो ये कजली किसके साथ भागी थी और क्यों भागी थी। कजली को कैलाश और उसके परिवार वालों ने ही मरवाया है। अच्छा, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ और सवालों की बात करनी पड़ेगी। कजली थी कौन, वो कहां से आई थी, और एक दिन कैलाश ने उसके साथ अचानक कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज में उसके बर्थ सर्टिफिकेट से पता चला कि वो लोअर कास्ट की थी, और इस पूरे एरिया में लोअर कास्ट के वोट बहुत ज्यादा है। मानव जो है कैलाश का भाई, वो हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला था, लेकिन कैलाश ने कजली को खड़ा कर दिया जातिगत समीकरण देखकर, और इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन भी चल रही है। आप मानव को पकड़िए, सच उगलेगा। सर कितनी बार आपसे कहूं कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और भैया ने आपसे कहा तो कि ये सब भैरों की चाल थी। सर आप मुझे पूरा दिन यहां बिठा कर रखिए, लेकिन मेरा जवाब बदलेगा नहीं।
मैम, ये कोई वायरस या आतंकवादी हमला नहीं है। हमें लगा कि फूड पॉइजनिंग का मामला, इसलिए हमने हॉस्पिटल कैंटीन के फूड सैंपल टेस्ट किए और वहाँ से कुछ नहीं मिला। छोटे बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सभी ने मिलावट वाला दूध पिया था। पता करो, दूध में मिलावट किसने की है? हाँ वागेला, वीडियो से कोई क्लू मिला? कौन लोग हैं उसके पीछे? नहीं सर, बस भीड़ में कुछ गांव वाले दिखे, वही। पाठक, वीडियो में जो भी गांव वाला दिख रहा है सबको उठा के लेके आओ। सुनिए, कजली के साथ जो कुछ भी है उसके बारे में कुछ जानती है? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। भाई साहब, कजली के बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ नहीं जानता सर, लेकिन कजली ने पूरे गांव का नाम खराब करके रख दिया सर। सर, आपके एरिया के कैलाश नाम के एक मिल्क सप्लायर ने गुड लाइफ हॉस्पिटल में मिलावटी दूध सप्लाई किया था। दूध में चूहे मारने का जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए और 5 छोटे बच्चों की मौत भी हो चुकी है। सामान नीचे, तलाशी लेनी है यहाँ पे, तलाशी लो। अरे ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे, कोई पेपर वेपर लाए आप तलाशी का? ऐसे ले लेंगे तलाशी? कैलाश बापू, देख रहे हैं कि आप हमारी हर इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, दिमाग खराब मत कीजिए, हमें तलाशी लेने दीजिए। ए, तलाशी करो, कंटेनर्स में से सैंपल ले लो। अरे भाई, सैंपल लेने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, दूध में मिलावट का केस है इसलिए। चेक करो क्या सर, दूध के कंटेनर में देसी कट्टा मिला है। सारे कंटेनर्स में चेक करो। कैलाश बापू, पुलिस के काम में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना आपको, फिर बीवी का खून और अब ये कंटेनर्स में हथियार, अब अरेस्ट होने से कैसे बच पाओगे? देखिए, मैं दूध बिल्कुल, और गन्स भी मिली। यहाँ मिले हथियारों का बैलिस्टिक टेस्ट होगा, और अगर कजली के बुलेट वुंड में से एक भी गन मैच हो गई तो समझ लेना आप तो गए। आपके मिलावटी दूध के कारण 5 छोटे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों की तबीयत खराब हुई है। मैं दूध में कोई मिलावट नहीं करता। और इतनी सारी गन्स कहाँ से आई आपके पास? मेरे पास लाइसेंस है। लाइसेंस एक गन का होता है? आपने तो आपके दूध के गोडाउन में पूरी गन्स की फैक्ट्री खोल रखी है। देखो, हमें गांव वालों से कजली के बारे में सच पता लग गया है। आप एडमिट कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। देखिए, ये सच है कि कजली घर छोड़कर चली गई थी और मैंने गांव वालों के सामने बहाना बनाया कि वो बीमार है, और जब वो वापस आई तो उसे जलील करने के लिए मैंने उसके कपड़े। लेकिन ये भी सच है कि मैंने कजली को नहीं मारा और ना ही मैं दूध में कोई मिलावट करता हूं, ये सच है। के बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से तो यही उसके मायके का एड्रेस है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, पड़ोसियों से पूछते हैं। कजली इकलौती बेटी थी, उसकी शादी के बाद उसके माँ बाप अमरनाथ यात्रा पे निकल गए, फिर कभी लौटे नहीं। किसी से शादी हुई थी कजली की? नहीं साहिब, उसकी शादी तो काशी गांव के एक आदमी के साथ हुई थी। नाम तो याद नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में उसकी शादी की फोटोज है। फोटो दिखाइए उसकी। जी सर, ये देखिए साहब। ये फोटो लो इनसे और पता करो ये कौन है और कहाँ है। सर, रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं? ए, सरब जी को बुलाओ। अरे क्या रहे ये सब, क्यों आए आप यहाँ? सर्च वारंट के साथ आए हैं। घर का चप्पा चप्पा छान मारो। अरे रुकिए, हटिए, आप अंदर जा रहे हैं। अरे
आपके गांव का रिवाज है क्या इलेक्शन से पहले बंदूकों की फैक्ट्री खोलने का? लेके चलो इन्हें। कजली के पति के बारे में क्या जानते हो? कजली का पति? अरे कजली का पति मैं हूँ। मेरे से पहले उसने किसी और से अगर शादी की मुझे नहीं पता उसके बारे में। इस फोटो को गौर से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं मालूम, मैं नहीं जानता इसे। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कजली को देसी कट्टे से गोली मारी गई थी, लेकिन कैलाश और उसके अपोजिशन लीडर भैरव के घर से बरामद कट्टों से बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच नहीं होती। और सर, रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उसके बॉडी पे मिले हैं उसका रेप हुआ था, और रेप को कोई 72 घंटों से ज्यादा हो गया था, इसीलिए CMN सैंपल को DNA से ट्रेस कर पाना नामुमकिन। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश और भैरव के पास मिले कट्टों से कजली की हत्या नहीं हुई, तो फिर कजली की शूटिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अगर हम केस में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो थोड़ा पीछे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन कजली के मुंह पे कालिक पोती गई उस रात वो कहाँ थी? ए, जैसा कि कैलाश बोल रहा था वो घर से भाग गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर भागी तो किसके साथ भागी, और जब भागी थी तो वापस क्यों आई? बी, भागी नहीं, निकाली गई थी। हो सकता है कि कैलाश को उसकी पहली शादी के बारे में पता चल गया हो और इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। सर, इन सब सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि किसने कजली को जानवरों की तरह मारकर उसका रेप किया और उसे मार डाला? हो सकता है कजली को उसने मारा जिसने उसके मुंह पे कालिक पोती थी और उसे मारने की धमकी दी थी, या फिर प्रधानी चुनाव के राइवल कैंडिडेट ने हारने के डर से उसे मरवा दिया, या फिर कैलाश ने किसी को सुपारी देकर उसे गोली मरवा दी, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कजली के अतीत में से किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए कजली को मरवा दिया। हो सकता है सर, लेकिन वो कौन है हमें कैसे पता चलेगा? वही तो पता करना है। सारे गांव वालों और रिश्तेदारों से बात करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़की चुनाव में खड़ी थी वो गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला? पता करो कि गांव में कितनी बसेज आती हैं और उनकी टाइमिंग क्या है। उन सभी बसेज के ड्राइवर्स और कंडक्टर से बात करो। गाँव में और उसके आसपास जितनी भी CCTV फुटेज मिलती है सब चेक करो। सर, कजरी के एक्स हस्बैंड जिगर के गाँव के बाहर लाश मिली, किसी ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कजली को जिगर की मौत के बारे में पता चल गया और इसलिए वो घर से भाग गई? या ऐसा भी हो सकता है कि जिगर की मौत के बहाने किसी ने कजली को घर से निकलने पे मजबूर किया? सर, कजली के पास ना तो मोबाइल फोन था और ना ही कोई आउटसाइड कनेक्शन, तो कजली को कैसे पता चला? राइट। कैलाश और मानव, दोनों भाइयों के CDR रिपोर्ट निकालो अभी। ओके सर। घरवालों का व्यवहार कजली के साथ कैसा था? हाँ साहब, एक बार मैंने देखा था, लीला भाभी कजली को बाल्टी के पानी में डुबो रही थी। उस दिन कजली सुबह नहाकर बरामदे में आई और मेरे पति को देखते ही उसके सामने नखरा करने लगी। क्या है ना साहब, उसका पति उम्र दराज है ना, तो लगी मेरे पति के सामने नखरे दिखाने। बस साहब, मुझे गुस्सा आ गया, क्या करती मैं। गाड़ी का मेक एंड मॉडल और नंबर प्लेट नहीं दिख रहा है, और ये टायर, मतलब कि गाड़ी का टायर चेक करते हैं। सर, कजली के मुंह पे कालिक पोतने वाले और उसको जान से मारने की धमकी देने वाले का पता चल चुका है। हमने उसकी फोटो को सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया था, भरूच पुलिस ने उसे पहचान लिया है, उसका नाम सुशील है और इस वक्त जहाँ छुपा है उसके लोकेशन को हमने ट्रेस कर लिया। चलो। किसने मारा कजली को? मुझे नहीं पता। भटक, तू झूठ को जितना तोड़ेगा मरोड़ेगा मैं तुझे उतना ही तोड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। वरना साहब, मैंने कजली को कुछ नहीं किया। मानव और मैं दोस्त थे, उसने मुझे बताया कि कजली का कैरेक्टर लेस है, वो गांव के सारे लड़कों पे लाइन मारती है, तो मुझे लगा मैं भी चांस मान लेता हूँ। इसीलिए रेप करके मर्डर कर दिया तूने उसका? नहीं साहब, नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर उसके मुंह पे काले क्यों पोती तूने? साहब, जिस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना,
मेरा ईगो हर्ट हो गया था, इसलिए मैंने सरेआम उसको मुंह पे कालिक फोड़ दी। हिसाब बराबर, हिसाब तो हम बराबर करेंगे तेरा। एक बात बता, ये कजली का अपने घर वालों के साथ कैसा रिलेशन था? साहब, मानव तो पहले दिन से ही उस पर बुरी नजर गड़ाए हुए था, वो उसे पास भी नहीं आने देती थी। मानव ने पूरे गांव में ऐसी अफवाह फैलाई कि वो किसी आदमी के साथ भाग गई है। अब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं पता साहब। हो सकता है कि मानव ने ही कजली का किडनैप करके उसका रेप किया और फिर उसके चरित्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाई ताकि कैलाश को कजली का नाम प्रधानी चुनाव से वापस लेना पड़े और उसके बाद मानव का नाम आ गया है और वही प्रधान बने। बिल्कुल हो सकता है। चलिए सर, मानव को दबोचते हैं। मानव का? सर मुझे नहीं पता, पर बात क्या हुई है? मानव का कमरा कौन सा है? सर वो तो ठीक है। कमरा कौन सा है उसका? तलाशी लो उसके कमरे की। सर सर ये देखिए, मानव को अपोजिशन पार्टी से भर भर के डोनेशन आया है। ये देखिए पासबुक अपडेट। और सर नॉमिनेशन पेपर भी मिला है, वो कजली की जगह खुद इलेक्शन में उतरने वाला था। गन को बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दो। ये सब देख के लगता है इसके पीछे मानव का ही हाथ है। और वो है कहाँ? अब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ढूंढो मानव को, सब जगह उसकी फोटो सर्कुलेट करो, देखते हैं कब तक बच पाएगा। सर बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक मानव के घर से बरामद देसी कट्टे से ही कजली की मौत हुई। इसका मतलब मानव ने ही कजली को मारा है। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो और कैसे भी करके ढूंढ के निकालो उसको। तो आपका कहना यह है कि जिस रात कजरी के पहले पति जिगर का मर्डर हुआ वो आपके साथ था? जी सर, मैं उसका दोस्त भी था और वकील भी। ये क्या है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो जिगर ने कैलाश और मानव के साथ बनाया था और उसने मेरे पास रखे थे और बोला था अगर उसे कुछ भी होता है तो ये मैं पुलिस को दे दूँ। तो झूठ क्यों कहा कि तू जिगर को नहीं जानता? दरअसल मेरे ऊपर बहुत बहुत केस चल रहे हैं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके लिए मैंने जिगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उसकी 25 साल की जवान बीवी के साथ शादी कर ली, उसके बदले में उसे बहुत पैसे दिए मैंने, लेकिन समय के साथ साथ उसका लालच भी बहुत बढ़ने लगा और इसीलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर जिगर को मरवा दिया और इसीलिए मानव गायब है। बता मानव कहाँ है, बता। मुझे नहीं मालूम मानव कहाँ है, नहीं मालूम। क्या करो ये मानव का, उसका नेटवर्क जहां भी फैला हुआ है, उसके जो भी अड्डे हैं ठिकाने हैं सब जगह छान मारो और ढूंढ के लाओ जहां भी बैठा हुआ है। सर रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चला है कि मानव का पास के एक गांव में फार्म हाउस है। ठीक है तुम वहां जाओ, मैं पाठक को भी भेजता हूँ। यस सर। एक फार्म हाउस के पास लोकेशन ट्रेस हुआ। आप लोग यहाँ कैसे? हमें एक हसिया मिला है जिसे जिगर का खून हुआ है और उस हसीये पे मानव के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इसे एक बात तो क्लियर है कि मानव ने ही कजली और जिगर का खून किया है। सर हमने कैलाश के वहाँ से जो दूध का सैंपल लिया था उसमें कोई मिलावट नहीं मिली। क्या? तो फिर दूध में मिलावट किसने की और क्यों की? सर कैलाश जी की जमानत हो चुकी है, मेरे क्लाइंट को छोड़ दीजिए। सर ऐसे कैसे जाने दे? पाठक वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, जाओ देने। कजली के मर्डर में कैलाश का एंगल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कजली की कास्ट का फायदा उठा के उसे इलेक्शन में खड़ा भी कर रहा था और वो विक्टिम कार्ड प्ले करके ऑपोजिशन के खिलाफ जीत भी चाहता। जहाँ तक कजली के गरिमा को भंग करके गांव में जुलूस निकालने की बात है, उसमें मानव और लीला दोनों का हाथ है। लगता है कैलाश को फंसाया जा रहा है। ये मानव भी तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, हो सकता है मानव ही जिगर की मौत का बहाना करके कजली को घर से बाहर लेके गया हो और फिर उसका रेप किया।
और फिर अपना पॉलिटिकल रास्ता पूरी तरह से साफ करने के लिए उसने भीड़ की आड़ में आके कजली को गोली मार दी। लेकिन सर, दूध में मिलावट करके मानव का क्या फायदा? दूध में मिलावट कौन करेगा और क्यों? इस पूरे केस में कोई तो इंपॉर्टेंट कड़ी हमसे मिस हो रही है, और हो सकता है कि ये तो मानव की डेड बॉडी है। जिसे हम हमारा प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे वो तो मरा हुआ मिला हमें। लगता है पहले मानव के सर पे किसी ने वार करके फिर गला घोट के बॉडी को यहाँ डाल दिया है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। कैलाश के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मानव जिस पे हमें सबसे ज्यादा शक था उसे तो किसी ने मार दिया है। शक की लिस्ट में एक ही नाम बचता है, सुशील। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और एम्बुलेंस बुला लो। सर, पूरी फैमिली की सीडीआर रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला है कि जिस दिन कजली गायब हुई थी उस दिन मानव की वाइफ लीला ने ट्रांसपोर्ट वाले राजू को कॉल किया है। क्या लीला ने राजू को कॉल किया? स्ट्रेंज, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? अरे कितनी बार कहूं, मैंने राजू को कोई कॉल नहीं लगाया। आप चाहे तो मेरा फोन देख लीजिए, मैंने उस रात कोई नंबर लगाया ही नहीं है राजू को। लीला की बातों से तो लग रहा है कि जिस रात कजली गायब हुई उस रात लीला के फोन से किसी ने राजू को कॉल किया था और फिर फोन करके कॉल रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। रहीमी, ये राजू का फोन सर्वेलेंस पे डालो और पता करो कहां मिलेगा। राजू के मोबाइल की IMEI की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो ठिकाना जहां पर वो सबसे ज्यादा आता था। चलो देखते हैं। कजली मेरे गांव की थी, वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि कोई अंधा ही होगा जिसकी नजर उस पर ना फिसली। और उसके पति ने कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी को कैलाश के हाथों बेच दिया। सब मैंने किशन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर ली ताकि आते जाते मैं अपनी कजली से मिल सकूं, उसके पास रह सकूं। और साथ ही साथ मैंने दूध में मिलावट का धंधा शुरू किया। मुझे कैलाश जितना अमीर बनना था साहेब, ताकि मैं उन पैसों से अपनी कजली को वापस से खरीद सकूं। जिस दिन कजली के मुंह पे काली पोता गया, सब वो बहुत गुस्से में। उस रात उसने तय कर लिया था कि उसे कैलाश और उसके परिवार के चंगुल से बाहर निकलना। राजू, मैं इस पूरे परिवार से तंग आ गई हूँ। राजू, इस नरक से निकालने में मेरी मदद करो। कजली, तू चिंता मत कर, रात के 11 बजे बाजार के पीछे वाली रोड पे में मैं तुझे आके ले जाऊंगा। मुझे बहुत काम करवाते, बहुत पीटते हैं मुझे। कैलाश के चंगुल से बाहर निकालता हूँ। रोट गई
मैंने तेरे कैलाश से छुटकारे का इंतजाम कर दिया है। कैसे? अभी तक मैं दूध में पानी मिलाता था, पानी मिलाकर बेच रहा था, लेकिन इस बार मैंने दूध में जहर भी मिला। अब जो भी दूध पिएगा वो मर जाएगा और उसका सारा इल्जाम जाएगा उस कैलाश पर और वो जाएगा जेल। फिर हम दोनों कर लेंगे शादी। कैसा रहेगा प्लान? क्या तुमने दूध में जहर मिलाया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन लोगों को मार कर मैं आजादी नहीं चाहती। लेकिन कजली तो समझते क्यों नहीं है? ये सब मैंने तेरे और मेरे लिए किया है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू जानती है ना। मैंने बरसों तेरा इंतजार किया है, अब तुम्हारे और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई समझती है? इतने सालों में तेरे लगी लगा रहा, तेरे लिए मैं इतना कुछ किया और तुझे जो है उन्होंने। सब जब मैं वापस आया तो कजली जा चुकी थी। कजली, मैं बहुत डर गया कि अगर उसने सब कुछ आप लोगों को बता दिया तो आप लोग मुझे पकड़ लेंगे। साहब, मैंने भीड़ की आड़ में अपनी कजली को मार डाला। बोला के क्या हुआ? जब हमको पता चला कि पुलिस मानव पर शक कर रही है तो मैंने शक को यकीन में बदलने के लिए मानव के कमरे में गन रख दी। मानो पुलिस के डर के मारे मेरे दूध की गाड़ी में छिपकर भाग रहा था। अब मानो को पता चल गया था कि मैंने ही दूध में जहर मिलाया। ये भी अंदाजा लग गया था कि मैंने एक कजली के साथ, अब उस समय कुछ नहीं समझ में आया। मैंने मानव को भी मार दिया। प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन प्यार के नाम पे पिशाच बनकर लोगों की मौत का तांडव करना सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि घिनौनी मानसिकता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.